श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी कि जो रंग मतलब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी नीला और बैगनी लाल दोनों। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बैगनी। ओके, यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो है जो होता है बैंगनी रंग का गति सबसे ज़्यादा विचलित हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो है कहीं ना कहीं जो सीधे रास्ता में जाना चाहिए जैसे एक प्रिज्म हुआ, ठीक है, तो इसमें हम प्रकाश डालें तो ये सात रंगों में विभाजित होता है आपको पता है। ओके, तो जो विचलित होता है सबसे ज़्यादा तो वो होता है आपका बैंगनी रंग का, ठीक है, वायलेट, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वायलेट बोलते हैं, VOILET वायलेट कलर। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और हाँ, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे प्रिज्म से है ना किसी पर श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रकाशित करते हैं तो ये सात रंग में विभाजित होता है ना, तो पहला जो रंग होता है क्या होता है आपको बताना होता है। ठीक है, ये देखिए सात रंग में इस तरह विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसे याद करने के मेरे हिसाब से एक ट्रिक हमने बनाया है, ROYGRO YGBIV, ये हमने ट्रिक ऐसे ही बनाया था, इस ट्रिक पे आप याद कीजिएगा ज़्यादा इजी रहेगा, ROYGBIV। आर से हो गया रेड, ओ से ऑरेंज, बाई से येलो मतलब पीला, जी से ग्रीन, बी से हो गया आपका क्या, बी से हो गया आपका ब्लू, आई से इंडिगो और वी से वॉयलेट यानी कि बैगनी, है ना। सबसे ज़्यादा विचलित हो गया कौन, नीचे सबसे कौन आ गया, ये बैगनी, इसीलिए विचलित हो जाता है। ठीक है, ओके, यानी अगर आपको बोले कि प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को हम प्रकाशित मतलब आपतित करते हैं श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में पे, तो सबसे ऊपर में कौन सा रंग बनता है, तो रेड बनता है सबसे ऊपर में, और सबसे नीचे में वॉयलेट यानी कि बैगनी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।